आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं का आटा और थोड़ी सी सब्जियों से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम नया नाश्ता। जब भी कभी आपका मन करे कुछ अलग सा और कुछ चटपटा सा और कुछ अच्छा सा स्नैक्स खाने का, तो आप इस नाश्ते को अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये दो गाजर ले ली है जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक टमाटर लेंगे, टमाटर को भी काट के डाल लेंगे और थोड़ा सा हम अदरक लेंगे, दो तीन हरी मिर्च काट के डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे एक कप के जितना, यानी कि 200 ग्राम के जितना गेहूँ का आटा। इसमें हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दो पिंच के जितना खाने वाला मीठा सोडा या फिर आधा छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटे के साथ जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी ये सब्जियाँ डाली थी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन हमें इसका एक आटा बना के तैयार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक टेबल स्पून जितना तेल या फिर घी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा के इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के एक दो चम्मच के जितना और इसका एक बढ़िया आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो जितने पानी की आपको ज़रूरत हो, जब तक आपका आटा ना गूंथे, कितना पानी आपको डालना है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा आटा है बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल हमें सॉफ्ट आटा मिल चुका है। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से लंबा सा रोल कर देंगे और अब हम इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे और ऐसे ही हम एक पीस को उठाएंगे और इस तरीके से हथेली पर रखते हुए इसको इस तरीके से दबा देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा हमें एक डिज़ाइन मिल जाएगा, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप सारे स्नैक्स को तैयार कर लोगे। अब मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले लिया है, इसमें हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं, एक एक करके इस तेल के अंदर डालते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें तेल को बिल्कुल हाई रखना है और जैसे ही हम यहाँ पर ये स्नैक्स डाल देंगे हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है ताकि अच्छे से अंदर तक जाकर सीख सके। शुरुआती 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको हम छेड़ेंगे नहीं और जब ये हल्के हल्के से तैर के ऊपर आने लगेंगे इस तरीके से 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम सेक लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जो हमारा स्नैक्स है बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है, इन पर अच्छा कलर आ रहा है, अच्छे खस्ता भी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी भी बने हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इस नाश्ते को चाहे तो आप सुबह की चाय के साथ खाएं या फिर तीसरे पैर की चाय के साथ खाएं या कोई गेस्ट आए तब भी खा सकते हो। मैंने इसको सर्व कर दिया है सॉस के साथ। तो आप चाहे इसको चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, खटाई के साथ खाएं, बेहद टेस्टी लगता है। आई होप दोस्तों आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर करना, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।